ओके सो फर्स्ट गाइस आपको यहाँ पर ओपन कर लेना लाइट मोशन एप्लीकेशन को। तो सिंपली गाइस यहाँ से मैं लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर दोनों प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइस सिंपली आपको इंपोर्ट करने के बाद जो बीटमार्क प्रीसेट है आप उसे ओपन करना है। और ओपन करते गाइस आपको यहाँ पर कुछ लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे गाइस आप देख पाएंगे यहाँ पर ग्रीन लेयर से एंड एक रेड सर यहाँ पर ग्रुप है। तो अभी गाइस आपको सिंपली यहाँ से बैक आना है एंड प्लस पर क्लिक करना है और 9.16 का फ्रेम को सिलेक्ट करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है और प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक फोटो लेना है नॉर्मल एंड आपको यहाँ पर क्लिक करके फुल स्क्रीन करना है और इसे गाइस सिंपली क्रॉप करके आपको करेक्ट फ्रेम PNG कर लेना है। ठीक है, ऐसे गाइस आप यहाँ पर 4 से 5 फोटो को सिंपली इसे PNG पर कन्वर्ट कर लेना एंड सेव कर लेना और बैक आगे गाइस आप प्ले से डिलीट कर देना। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको फिर से आना है बीटमार्क के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको उसका जो मतलब जो ग्रीन स्क्रीन है आप इसे फोटो को ऐड करना है। तो कलर एंड पेपर जाएंगे एंड स्टार पर क्लिक करके हम इसमें फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस सिंपली हम यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करते हैं एंड फोटो सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। और इस पर गाइस आपको थोड़ा सा आगे कट लगा देना है ग्रुप बीटमार्क के हिसाब से एंड फिर गाइस आपको सेकंड लेयर की फोटो को चेंज करना है। तो आपको स्टार पर क्लिक करना है, आप यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। बट गाइस आप याद रखिए इस यहाँ पर क्रॉप फोटो एनसी नॉर्मल साइज की नहीं होना चाहिए, इस साइज की फोटो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 9.16 अभी हमने क्रॉप किया हुआ है। 4-5 फोटो आप यहाँ पर क्रॉप करके रख लेंगे तो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी फोटोज। ठीक है, इसे मैं ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद भी आप इसे कट कर देना और बाद में अपने हिसाब से हम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले के हिसाब से मैं नॉर्मली कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद भी आगे यहाँ पर जो गैप है यहाँ पर आगे वहाँ पर हम सर्चिंग वाला सिस्टम रखेंगे। यहाँ पर गूगल वगैरह सर्च वगैरह चल रहा था एंड फोटो आ रही थी। ठीक है, तो अभी कैसे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर इतना काम हमारा हो चुका है। उसके बाद इस आपको यहाँ पर एक ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस ग्रुप के अंदर इस आप जैसे ऐड करेंगे जैसे हम यहाँ पर टैप करते हैं और ऐड ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी 2 लेयर्स मिलेंगे। और इस आप देख लेंगे 9 लेयर्स के अंदर इस आपको सेम फोटो ऐड करना है। ठीक है, तो फिलहाल कैसे हम यहाँ पर सिंपली एक फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के हम यहाँ पर फोटो को ऐड करते हैं, इस फोटो को एंड हम प्लस पर क्लिक करेंगे एंड उसके हम सेकंड पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे और इस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो वही सेम फोटो यहाँ पर मैं ऐड कर लूँ। उसके बाद इस आपको सिंपली ये करना है, यहाँ पर आपको जो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप गाइस यहाँ पर सिंपली से एक फोटो जो गाइस बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो आप, तो आप सेम फोटो ऐड करना और उसके बाद भी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वीडियोसन को बढ़ा लेना है। देन उसके बाद भी आपको सिंपली से डाउन साइड लेकर के चले जाना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देख पाएंगे जितना भी सर यहाँ पर कट है बीट मार्क है, आप उसके साथ गाइस यहाँ पर कट लगा देना। थोड़ा भी जैसे मैं जूम कर लेता हूँ एंड जूम करने के बाद आप यहाँ पर की लगाना है एंड लास्ट में की लगाना है और इसी से डाउन साइड लेकर के चले जाना है। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आपको सिंपली करना है यहाँ पर बीट मार्क के हिसाब से आपको यहाँ पर जो ना कट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जितने बीट मार्क हैं आपको यहाँ पर कट करना है, देन सेकंड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली से कट कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर जो ना इस पर इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट लोग हम लोग यहाँ से सिंपली से क्या करने वाले हैं, यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस आप देख लीजिए जो ग्रुप है आपको होल्ड प्रेस करना है, ऊपर की साइड लेकर के जाना है बिकॉज इस यहाँ पर जो फोटोज वो हमारे यहाँ पर ऊपर की साइड शो होने लगे ग्रुप वाली एंड ये नीचे की साइड शो होने लगे। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पर कुछ और भी इफेक्ट लगाना, तो फर्स्ट लोग हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर इफेक्ट गाइस हमारी इफेक्ट फोटो पर टैप करके हम कॉपी कर लेंगे और बैक आ जाते हैं। ठीक है, सो बैक आने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे एंड हम लोग यहाँ पर सिंपली से पेस्ट करने वाले हैं उसी इफेक्ट को जो हमने कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
तो फटाफट से यहाँ पर जितनी फोटोज हैं, आई मीन जो कट हमने लगाए जितनी फोटोज के अंदर, उन सही पर हम यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पर आपकी फोटोज पर वो इफेक्ट लगते जाएगा एंड हर फोटो से यहाँ पर मूवमेंट करेगी, देन टाइम साइड आते जाएगी। ठीक है, तो ये सर देखने बहुत बेहतरीन लगता है और आप इसे लास्ट तक कर अप्लाई कर लेना इसे पैड को। ठीक है, तो मैंने इस तरह यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई नहीं करूँगा सर, कुछ यहाँ पर मैंने अप्लाई कर रखा है। देन आपको यहाँ पर हर फोटोज पर आपको सेम इफेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो वही सर आप यहाँ पर सभी पर अप्लाई कर देना, मैं यहाँ पर सभी पर अप्लाई करके नहीं दिखाने वाला हूँ। आप सर लास्ट तक अप्लाई कर लेना, सिंपल है एंड इजी है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखा हो तो कुछ यहाँ पर सर्चिंग वाला कुछ सिस्टम चल रहा था, देन यहाँ पर तो नॉर्मल था जैसे अभी हमने स्टार्टिंग पर कर रखा है। अभी किसी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर आपको मैं वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले किसी यहाँ से जो हम लोग बैक आएंगे, देन किसी हम लोग यहाँ पर सिंपली से फट के फिर एंटर करेंगे। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो दो लेयर्स मिल रही हैं, आपको तीन लेयर्स है, ग्रुप लेयर एंड दो लेयर्स और, तो आप इन दोनों तीन लेयर्स को कॉपी करना, देन बीट मार्क के अंदर एंटर करना। उसके बाद भी आप देखेंगे जहाँ से आपकी फोटोज ऐड हो रही लाइक ये वाली, आप वहाँ से पेस्ट कर देना। एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि भाई कितना आगे जा रहा है, उस हिसाब से आप जो है स्टार्टिंग फोटोज को फिर कट आप पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बीट मार्क एक्स्ट्रा बढ़ा दूँगी, यहाँ पर एक बीट मार्क कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली सेलेक्ट करेंगे इन तीनों लेयर्स को और हम इनसे डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से पेस्ट करेंगे, देन ये परफेक्टली आ चुका है। ठीक है, सिंपल ट्रिक था एंड बहुत ईजी था। अभी कई सर आपने देखा होता है कई सर यहाँ पर एक फोटोज थी जो एक ड्राइंग टाइप की थी एंड देखने में काफ़ी ऑसम लग रही थी, तो वैसे ही फोटोज के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले बोलते हैं आपको दिखाने वाले, तो वीडियो को एक्स्ट्रा बेस्ट टाइप देना। ठीक है, यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे एडिट ग्रुप पर, तो आप यहाँ पर नाम को भी अगर चेंज करना चाहो लाइक यहाँ पर एनर्जी पिक्चर्स है तो आप नाम भी ऐड कर सकते हो, और जो भी इस अपनी फोटोज के साथ क्रिएट करना चाहते हो, जिसकी फोटोज के साथ क्रिएट करना चाहते हो आप उसका नाम यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर गई सिंपली से फोटोज को ऐड करना, तो फोटो कैसे ऐड करना और कैसे क्या करना वो आपको वीडियो के अंदर देखने वाले। पहले आपको ओपन करना यहाँ पर रैमनी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो रैमनी एप्लीकेशन है आप इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के थ्रू एंड आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मोर पर जो ऑप्शन मिलेगा सर राइट साइड पर, मोर पर क्लिक करना, देन आपको स्केच के ऑप्शन पर जो है आपको यहाँ पर टैप कर देना। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फोटो सेलेक्ट करने का, तो आपको यहाँ पर उस फोटो को सेलेक्ट करना जिस फोटो को आप वहाँ पर रखने वाले हो। ध्यान रखिए आप जिस फोटो को सेलेक्ट करेंगे उसका जो बैकग्राउंड है वो स्काई वाला होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो व्हाइट कलर रहेगा वो ब्लेंडिंग के टाइम पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था, बट यहाँ पर अभी मैं एक नॉर्मल फोटो ऐड करके दिखाता हूँ, देन हम इस पर डन करेंगे। तो यहाँ पर नेटवर्क इशू, पहले मैं नेटवर्क को ऑन करूँगा, डेटा कनेक्शन को इनेबल करूँगा एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्रॉपरेट कर देगी, स्केच में कन्वर्ट कर देगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक सेव का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करना, देन उसके बाद आपकी जो फोटोज है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करना अलाइट मोशन एप्लीकेशन को एंड उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना। तो आप देख सकते हो जहाँ से एन लिखा हुआ, जहाँ से हमारा नाम सर्चिंग पे आ रहा है वहीं से आपको इस फोटो को ऐड करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फोटोज डाउनलोड कर रखा हुआ स्केच वाली, तो इसे मैं डाउनलोड करूँगा एंड उसके बाद हम लोग सिंपली इसे अच्छे से एडजस्ट वगैरह कर लेंगे। देन गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा पार्ट हम इसे कट करेंगे एंड इस पर क्लिक करके ब्लेंडिंग लाइट एंड डार्क पर क्लिक करेंगे, देन डार्क पर क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है सर वो एकदम ऑसम आता है। ठीक है, अभी कैसे हम इस पर कुछ और भी इफेक्ट लगाने वाले हैं, अभी हम वीडियो को एंड कर देते हैं। अभी कैसे हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, देन हम लोग यहाँ पर जाएंगे पैक के अंदर और उसके बाद आपको एक यहाँ पर एक लेयर्स मिलेगी, आई मीन एक लेयर है, आप उसको कॉपी कर लेना इफेक्ट को और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। देन आपने जो स्केच वाली फोटोज ऐड किया होता आप उस पर टैप करना, आई मीन उस लेयर पर, और आप इसे पेस्ट करना। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पर आप जैसे पेस्ट करेंगे वाइप होगा एंड कुछ तरीके से शो होगा। ठीक है, तो उसके बाद गाइस आप देखेंगे यहाँ पर ग्रुप मिलेगा, आप ग्रुप पर जाना, एड ग्रुप पर जाना, देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो इफेक्ट है डिसेबल मिलेगा, एनेबल कर देना, देन आप इसको भी गाइस सर ऐसे कर देना। ठीक है, हाइड रहेगा, अनहाइड कर देना। उसके बाद गाइस आप जो रिजल्ट देखेंगे सर वो काफ़ी ऑसम लगेगा, यहाँ पर सर्चिंग आएगा एंड उसके बाद भी सर यहाँ पर वो गाइस एक तो गाइस आप देख पाएंगे कलर्स निकल रहा है, लाइट्स निकल रही है एंड वहाँ से आपके फोटोस निकल रही है। ठीक है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर एच डी आर ग्लो लगाना, तो आपके दो लेयर मिलेंगे, आपने कॉपी करना कुछ इस तरीके से, देन आपको आना बीट मार्क कैसेट के अंदर और यहाँ पर लगा के पेस्ट कर देना। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली गाइस इन दोनों लेयर्स का साइज को बढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से एंड तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ, देन उसके बाद आप इसमें टैप करना है, यहाँ पर क्लिक करके फिनिशिंग कर देना। सो फिनिशिंग करने के बाद आपकी जो फोटोज है उसके अंदर एच डी आर ग्लो लग जाएगा एंड देखने में आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड प्यारी लगेगी। अभी भी सर मुझे को लग रहा है कि यहाँ पर जो ना एक जो एक लेयर से जो एच डी आर वाली वो यहाँ पर कम्प्लीटली फिल नहीं हुई है, मैं अभी देखता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, तो ये वाली नहीं है, ये फुल हो चुकी है, इस पर हम टैप करेंगे तो गो डी है, हम इसे फिनिशिंग कर लेंगे। तो उसके बाद एच डी आर ग्लोज एंड वीडियोज़ काफ़ी ऑसम लग रही है। सो स्टार्टिंग स्पेस आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ तरीके सर्चिंग